आज के दौर में सेल्फ डिसिप्लिन का हमारी लाइफ में होना बहुत जरूरी है। एक सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए और अपने गोल्स को अचीव करने के लिए स्ट्रॉन्ग विल पावर होना चाहिए। वो तब होगा जब आप खुद के इमोशन को किसी डिस्ट्रैक्शन से बचने के काबिल बन जाएं। मैं इस वीडियो में आपसे ऐसी 3 टेक्निक साझा करने वाला हूं, जिसके यूज से आपकी सेल्फ डिसिप्लिन को इम्प्रूव करने में काफी मदद मिलेगी और आप यह भी सीख सकते हैं कि अपनी लाइफ को और बेहतर तरीके से कैसे जी सकते हैं। पहला है, नो योर वीकनेस। जैसा कि आप जानते हैं, हर इंसान के अंदर कुछ स्ट्रेंथ और कुछ वीकनेस होती है, तो वो वीकनेस जो आपके अंदर है उसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। वो वीकनेस कोई भी हो सकता है, जैसा कि आप रोज रात को यह सोचकर सोते हैं कि मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊंगा, लेकिन उस टाइम पर आपका उठने का मन नहीं करता है, मतलब लेजीनेस है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आप अपना काम टाइम पर खत्म नहीं कर पाते हैं, अपने काम के वक्त पर सोशल मीडिया में लगे रहते हैं, तो ये भी एक वीकनेस है। ऐसे बहुत सारे वीकनेस हो सकते हैं, पर ध्यान रहे, यदि आप सक्सेसफुल बनना चाहते हैं तो ये सारे वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलना आना चाहिए, क्योंकि एक सक्सेसफुल इंसान के पास भी वीकनेस होता है, लेकिन उसे अपने वीकनेस को स्ट्रेंथ में चेंज करना बहुत अच्छी तरह से आता है। जिन लोगों के पास सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होती है, उन लोगों के मुकाबले वे लोग ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं जिनके पास सेल्फ डिसिप्लिन होती है और वो अपने कार्य को बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं। दूसरी टेक्निक में ये है कि आप अपने हैबिट्स को क्रिएट करते रहें। ये एक सबसे अच्छा तरीका है अपने सेल्फ डिसिप्लिन को इम्प्रूव करने का। आपको अपने अंदर हमेशा नई हैबिट्स को क्रिएट करते रहना होगा। एक वेल डिसिप्लिन पर्सन में हमेशा ये क्वालिटी होती है कि वो समय समय पर अपने अंदर नई हैबिट्स को डेवलप करता रहे और हमेशा कुछ न कुछ नया सीखता रहे। यदि आप एक सेल्फ डिसिप्लिन पर्सन बनना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर हमेशा कुछ न कुछ नई चेंजेस करते रहना होगा, फिर चाहे वो कोई नई हैबिट्स हो या फिर नई स्किल। सेल्फ डिसिप्लिन के कमी के कारण वो आप नहीं अचीव कर पाते हैं जो आप अचीव करना चाहते हैं। और तीसरा टेक्निक है प्रैक्टिस। कबीर दास जी का दोहा तो आपने सुना ही होगा कि रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान, मतलब रस्सी से बार बार रगड़ खाने से पत्थर पर भी निशान बन जाता है। ठीक उसी प्रकार बार बार प्रैक्टिस करने से मंद बुद्धि व्यक्ति भी कुछ सीख जाता है। आप अपने माइंड को इस तरह से कंट्रोल कीजिए कि वह चाह कर भी अपनी रूटीन से ना भटके। यह याद रखें कि आप दिमाग से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हैं और वह आप ही हैं जो उसे कंट्रोल कर सकते हैं और वह आपको नहीं कर सकता। आपको अपने अंदर यह क्वालिटी डेवलप करनी होगी कि आप अपने माइंड को खुद कैसे कंट्रोल करें। आपको अपने माइंड और बॉडी दोनों को इस तरह से तैयार करना होगा कि आपको जिस टाइम पर जो काम करना है उस टाइम पर सिर्फ वही काम करें और उससे बाद के लिए ना रखें। आलसी होना कोई अच्छी आदतें नहीं है, खासकर ऐसे टाइम पर जब कोई आप जरूरी काम कर रहे हो। अगर इस दुनिया में जीवित रहना चाहते हैं, तो यह चीज आपको कंफर्म करनी पड़ेगी कि आप हर तरह से डिसिप्लिन में हैं। यदि इस इन्फॉर्मेशन से आपको कुछ सीख मिला हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, शायद उन्हें भी ऐसे वीडियो की तलाश हो। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कैरी ऑन, बी पेशेंस एंड टेक केयर।